फाइनली हम जीत चुके हैं मैच, ये 3-0 ये शर्म का पर्दा हार चुके हैं ये लोग शर्म का पर्दा हार चुके हैं, 0 पे आउट होके शर्म का पर्दा हार गई। मतलब पहली बार जा रहे हैं कश्मीर के लिए, बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है और ड्रीम डेस्टिनेशन है हमारा, मेरा और मेरे भाई दोनों का ड्रीम डेस्टिनेशन है ये। ये भाई अपना पीछे देखो, ये भी डेली ब्लॉगर है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए इसके सब्सक्राइब बटन को 2 बार दबाना, सब्सक्राइब हो जाएगा ये। और ये देखो गाड़ी रेडी है, बिल्कुल सामान वामान डाल दिया है और अभी यहाँ से निकलते हैं, 2 दोस्तों को और लेना है वहाँ आगे। और बहुत लंबा ट्रिप है, देखो अंधेरे में आ गया मैं, 1 सेकेंड, बहुत लंबा ट्रिप है तो काफ़ी टाइम लगेगा, आराम आराम से चलेंगे, सामान पूरा भरा हुआ है। तो चलो कश्मीर निकलते हैं और कश्मीरियों को हाय बोलते हैं। तो फाइनली गाइस रास्ते में हैं और अपने दोनों जा रहे हैं, अभी 2 भाई और हैं उनको लेने के लिए, आपको पता ही है, 2-1 तो अभी बहुत टाइम बाद हमारे साथ जा रहा है और 1 भाई है जिसके बिना हम जाते नहीं गए, आपको पता ही है, क्योंकि उनका आशीर्वाद रहता है तभी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, वरना मिलेंगे नहीं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं हैदराबादी बिरयानी खाने, क्योंकि भूख लगी है। मैं तो खाऊंगा। क्या मुरादा? वेज। अच्छा ये वेज खाएगा, ठीक है। इधर ही मिलेगा क्या? मिलना तो चाहिए इसी रोड पे। तो गाइस फाइनली मेरे फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं, दोनों फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं, ये हमारा भाई लल्लन चोपड़ा और ये ये लल्लन भाई है हमारे साथ, बहुत इन्होंने भी ट्रिप कर रखी, लद्दाख सीरीज आपने देखी होगी। और ये पाठक है हमारा भाई, आ गया हमारे पास, शर्मा रहा है अभी, और आपने इसे सारे ब्लॉग में देखा होगा, पीछे से दिखाता हूँ ये देखो, अभी ब्लॉग में आना नहीं चाह रहा, 2 व्लॉग में नहीं आऊँगा, 1 व्लॉग में कंटेंट बनाने दूंगा। तो गाइस अब यहाँ पे हम रुके हुए थे अराउंड सोनीपत में कहीं पे, और पराठे वाठे मंगाए थे, खा लिए हैं, सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया, और चाय वाय पी लिया, ये देखो खा लिए। और अभी यहाँ से हमने पटनी टॉप का लगाया हुआ है मैप में, पटनी टॉप के लिए, और वो अभी 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद भी 600 किलोमीटर बचा हुआ है। तो हाँ जी, तो अभी 600 किलोमीटर बचा हुआ है, हालांकि मैं जाना तो बहुत आगे, लेकिन पटनी टॉप हमने सोचा हमारा एक स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, तो अभी देखते हैं कितने दूर जा सकते हैं, अभी पूरी रात चलाते हैं। और भैया तो सोएंगे, ड्राइव तो मुझे करनी है, ही इज अ फनी बॉय। वन इटर्निटी लेटर, अभी लुधियाना यहाँ से 100 किलोमीटर है शायद, और भूख लग गई बहुत ज़्यादा, तो एक भाई आगरा से आया हुआ है तो पेठे लेके आया था, ये आया था आगरा से, तो देखो पेठा लेके आया है, अरे भाई साहब खराब हो गया क्या? नहीं, हालांकि मुझे पेठे पसंद है नहीं वैसे। और अभी जो हमारा चौथा बंदा है उसके लिए फेस वॉश वगैरह मंगवा लेता हूँ, सनस्क्रीन वगैरह, क्योंकि धूप निकलने वाली है ना, काला हो जाएगा। तो गाइस अभी हाईवे पे बीच में कहीं पे रुके हुए हैं, पठानकोट पहुंचने में ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पे रह गए हमें। भाई जबरदस्त एवरेज दे रही है 20-22 का, जबकि खींच रहे हैं फिर भी। गाइस पठानकोट पहुंच गए और बारिश बहुत तेज हो गई है, तो कुछ खाने पीने के लिए फिर से रुके हैं, खाना पीना बहुत कर रहे हैं हम, और हमारे साथ कश्मीरी भाई भी है, अल हबीबी। 10:45 का टाइम है, 80 बैठा बर्गर किंग विच, और ऑर्डर किया हमने चिकन बर्गर और बकेट और कैपेचिनो, और बाहर हो रही है बारिश खतरनाक, ठीक है। अब यहाँ से मील फिनिश करते वक्त निकलते हैं यहाँ से हम पटनी टॉप के लिए, पटनी टॉप का हमने ड्रॉप लोकेशन डाला हुआ है, तो पटनी टॉप देखते हैं, अगर पटनी टॉप के बाद भी एनर्जी बची तो और आगे जाएंगे। वेलकम टू कठुआ, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें जम्मू जाना है और जम्मू से हम घूम के उधमपुर आएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके जो उधमपुर का रास्ता है ये वाले कट से, तो वो वहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है,
को तो अभी जाने नहीं देंगे यहाँ से? नहीं, यहाँ से मना कर रहा हूँ, जम्मू से होके निकलो, रूट से ही जाएंगे। अभी इधर बंद ही है तो अब क्या कर सकते, जाना तो है ही। चलो फिर कुछ नया रूट ढूंढते हैं, फिर देखते हैं किस रूट से जाना है हमें। निकले तो हम पटनी टॉप के लिए थे, अब हम जम्मू जा रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? यार वो जो पीछे से जो कट था ना पटनी टॉप के लिए, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी तो नहीं, वो तो किसी ने बोला, हम जाके देख के थोड़ा है, पुलिस वाले ने बोला ना, तो हमने मान ली पुलिस वालों की बात, तो एडमिनिस्ट्रेशन के हम खिलाफ नहीं जा सकते ना भाई। वो सब सही है, लेकिन इस बंदे को क्या लाए हो ब्लॉग में? क्या कर रहा है ये? बॉडी बनाते से जिम में चले जाओ, इनका ये होता है 100 पुशअप मार लो, 100 चिन अप मार लो, यहाँ मार लो, वो कर लो, वो कर लो, अब इनकी जवाब नहीं खुलती। भाई देखो ये मेरे दोस्त भी है और मेरे गुरुजी भी है, ये मुझे बारिश के मौसम में क्लासेस लगाए, फिटनेस की सारी टिप्स मैं इनसे लेता हूँ। फिर भी मोटे हो? अभी से मैंने अभी स्टार्ट किया ना मैंने, इसलिए यार अभी इतनी जल्दी फर्क आएगा नहीं ना भाई, धीरे धीरे। भगवान से दो दिन छोटे बंदे से जिम करवा रहे हो तुम, सीख रहे हो? तो यार बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक्चुअली हम जिस हाईवे से जा रहे थे तो पहले हमें वहाँ पे रोक लिया गया, श्रीनगर वाले वहाँ पे उस तरफ जहाँ से कट है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इधर से रास्ता बंद है तो इसे जा नहीं सकते आप, इधर से जाओ जम्मू की तरफ से जाओ। फिर हम जम्मू की तरफ से आ गए और अब यहाँ से भी हमें पुलिस वाले ने रोक लिया है। वो कह रहे हैं कि जो जम्मू वो कह रहे हैं जो ये श्रीनगर वाला हाईवे वो पूरा ख़त्म हो गया, लैंडस्लाइड से टूट गया पूरा। और अभी हमने न्यूज़ में भी चेक किया तो न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, 2 दिन तो कम से कम लगेगा क्लियर होने में। तो हमने प्लान किया कि जितने दूर लैंडस्लाइड जहाँ पे हुआ है उसके बिल्कुल क्लोज जाके वहाँ पे कहीं भी स्टे लेके रुक जाएंगे। अभी फिलहाल पहले उधमपुर चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ से इजीली रुकने का भी हो जाएगा ना। हमें पटनी टॉप का पता नहीं कि रुकने की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पटनी टॉप तो बहुत दूर हो जाएगा। हाँ, और दूर भी है, उल्टा भी है वो। तो उधमपुर चलते हैं, वहाँ रुकते हैं, आज रेस्ट वहाँ कर लेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तब तक वहाँ क्लियरली पता भी चल जाएगा। तो गाइज फाइनली हम होटल नटराज में रुके हैं, वो पीछे नटराज होटल है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है, श्रीनगर हाईवे पे लैंडस्लाइड भी हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे साथ जितना भसड़ होना था सब हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम यहाँ पे होटल में चेक इन कर लिया हमने और हम यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो हम आए यहाँ पे खेलने, बारिश हो रही लेकिन फिर भी, लेकिन अब बच्चे लग रहा भाग गए। तो भाई यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और हम पूछ रहे कि यार हमें प्लीज खिला लो, देखते हैं खिलाते हैं नहीं, वैसे अच्छे बच्चे ये खिला ही लेंगे हमें। मैं, आप, ये और ये। तो अभी लड़ाई चल रही है कि मुझे कौन टीम मिलेगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ इसीलिए। ये दोनों तरफ से खेलेगा, अभी टीम चेंज किया हमने और मैंने लिया ये भाई को, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है ये, बहुत ज़बरदस्त। और एक वो भाई है वहाँ पे जो बैटिंग कर रहा है, पीछे पाठक मेरी टीम में और मैं, हम चारों हैं और ये चारों बच्चों की टीम है। ये बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है भाई साहब, ये खतरनाक है। तो चलो अभी फिर से गेम स्टार्ट करते हैं, हम 2-0 से पीछे हैं तो अभी जीतेंगे भाई, जीतेंगे जीतेंगे, जोशी पिटेगा। अरे गड्ढा बोल रहे, छक्का मारो इसको, छक्का मारो इसको, चलो सिंगल सिंगल। क्रिकेट खेलते हुए चोट लगी है, ये देखो में सब चलता रहता है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ है। तो अभी टीम जीत रही है हमारी, भाई आप करो, बहुत तगड़ा बॉलर है ये, बोल्ड करेगा। शर्म का पर्दा कहाँ लेके जाओगे दीपांशु भाई? शर्म का पर्दा, 8 रन बनाए टीम के लिए, 8 रन भाई, शर्म का पर्दा कहाँ लेके जाओगे? चलो कोई बात, तो भाई आउट हो गया है, टीम जीत गई हमारी ऑलमोस्ट, फाइनली हम जीत चुके हैं मैच, ये 3-0 ये शर्म का पर्दा हार चुके हैं ये लोग शर्म का पर्दा हार चुके हैं, 0 पे आउट होके शर्म का पर्दा हार गई। कुछ हुआ देखो, बताओ जीत के कुछ हुआ? ये हार चुके हैं बिल्कुल, गंदे कुछ हुआ, बिल्कुल गंदी तरह के हार चुके हैं, मेरे पैर में गोबर भी लग गया, कोई बात नहीं। हमारी टीम कौन सी है, हमारी टीम कौन सी थी? लगातार तो फाइनली गाइस क्रिकेट खत्म हो गया है, 2-1 से हमारी टीम जीत गई है, तीन बार के विनिंग कैप्टन ये, मैंने अपनी टीम के लिए 9 रन बनाए, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, छाती चौड़ी हो गई है बिल्कुल।
तो अब जा रहे होटल की तरफ के बारिश दूसरे हारवे कैप्टन को। अरे अरे ये देखो हारा हुआ कैप्टन, हारा हुआ कैप्टन देखो भाग रहा है। तो गाइस ये देखो कैसे अपनी बेशर्मी को छुपाते हुए, अपने हार को छुपाते हुए, कोई बात नहीं होता रहता ऐसे। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते इंशाल्लाह आवर बॉयज प्लेड वेल। बहुत दुख के साथ दो मैच जीते, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मेरे को कि सिर्फ मेरी बात सुनो, सिर्फ दो रन लेने के बाद ये लड़का उल्टी करने लग गया था ये, और इसकी गवाह हमारे पास है। अगर आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ तो इधर देख लो भाई, बताओ गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और मैं ये हमसे 6 साल छोटा है लेकिन देख लो इसकी इम्यूनिटी कितनी, इसको देख के लग गया कि दूसरे की ऐसी होगी। हाँ इसके छोटे भाई को देख के पता लगता है कि बड़े भाई की इम्यूनिटी कैसी होगी। और देखो भाई को देखो, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, पीछे इंजेक्शन भी लगी है, लेकिन भाई आपका फिर भी डटा हुआ है सारा भाई जोगिंदर। तो गाइस अब ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, हालांकि हम यहाँ पे फंस गए हैं जम्मू के पास कहीं हाईवे पे, तो इधर ही हमने होटल ले लिया है और हम यहाँ पे फंस गए। क्रिकेट खेला बहुत मज़ा आया। हाँ ये हारे हुए कोई बात नहीं भाई अपना, तो अभी हम यहीं फंसे हुए, कल देखते हैं अगर हाईवे खुला तो हम आगे जाएंगे। वीडियो आपको अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें और क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब। ओके बाय। इतने बड़े विशाल का शरीर वाले भाई से अगर पैर दबाओ, अरे यार इतनी बड़ी बात होती है। ये बहुत अच्छा इंसान है, भाई का पैर दबा रहा है, भगवान इसे लंबी उम्र दे, बस मेरी ना दे।